यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से दर्दनाक खबर आई है। यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से 30 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में 10 बच्चे एनएनयू वार्ड और 12 इंसेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि 66 लाख रुपए का भुगतान न होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म ने ऑक्सीजन की सप्लाई कल रात से ठप कर दी। लिक्विड ऑक्सीजन तो गुरुवार से ही बंद थी और आज सारे सिलेंडर भी खत्म हो गए। इंसेफेलाइटिस वार्ड में मरीजों ने 2 घंटे तक अम्बू बैग का सहारा लिया। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम पुष्पा एंड सन्स बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल पाइपलाइन से लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, पर बुधवार से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई थी। अस्पताल के आईसीयू और दूसरे वार्डों में कल रात सुबह के 11:30 बजे से ही ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट आ गई थी, जो आज सुबह 9 बजे तक लगातार बाधित होती रही। साफ है कि सप्लाई रोकने की बात पहले से पता होने के बावजूद ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। इसी ऑक्सीजन सप्लाई के कई बार रुकते रहने से 30 मासूम बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा। जिस अस्पताल में बच्चों की मौत हुई है उसका दौरा 9 अगस्त को ही योगी जी ने किया था। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।